हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेएम केमिस्ट्री क्लासेस। कैसे हो आप सब लोग? और हम अपना अगला लेक्चर लेके आ चुके हैं, और हमारा फोर्थ लेक्चर है। हमारा पहले तीन लेक्चर हम बोल ना दे चुके हैं आपको, और वो तीन लेक्चर अगर आपने देख रखे हैं बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देखे हैं तो वापस जाके देख लीजिए, क्योंकि वो देखोगे तभी आगे की सीरीज बहुत अच्छे से कर पाओगे। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में? सर, हमने फर्स्ट लेक्चर में केमिकल काइनेटिक्स देखा था, होती क्या है और साथ ही साथ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। सेकंड लेक्चर में हमने देखा था कि रेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं सर जिनको बढ़ाने घटाने पर रेट ऑफ रिएक्शन हमारा कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, वो सारी चीज़ें। और थर्ड लेक्चर में हमने क्या देखा था? मॉलिक्युलरिटी। सर, क्या होती है मॉलिक्युलरिटी? किसी भी एलिमेंट रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं वही हमारी क्या होती है? मॉलिक्युलरिटी। अब उसी का सेपरेट बराबर बराबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सर, ये क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। जब कोई रिएक्शन होती है, अब रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे अभिकारक, जो रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर किसी को इंग्लिश से प्रॉब्लम हो रही हो, देखो सर बोलता तो मैं हिंदी में ही है ना, मैं बोलता आपको हिंदी में, एक्सप्लेन भी हिंदी में करता हूँ, केवल डेफिनेशन ही तो इंग्लिश में लिख रहा हूँ। आप उनको अगर जो डेफिनेशन है जो इंग्लिश में लिखे उनको मैं हिंदी में भी लिखता हूँ। अगर किसी को हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम है तो आप हिंदी में जो मैं बोलता हूँ उसको नोट कर सकते हैं, ठीक। और जिसको इंग्लिश चाहिए तो उसको मैं लिख ही रहा हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इंग्लिश एंड हिंदी कंबाइंड वाली क्लास है, आप टेंशन ना लीजिए। चले हमें स्टार्ट करते हैं वापस से, क्या हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं? तो मैंने बोला कोई भी रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन होती क्या है? जब रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टेंट से क्या बनेगा आपका? प्रोडक्ट, तो वही तो होगा। अब वो रिएक्शन जो है, अब रिएक्शन का जो रेट है वो किस पर डिपेंड करेगा? तो हमने कहा हमारे पास में कोई भी रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से बनता क्या है हमारे पास? प्रोडक्ट बनता है। सर, ये तो सबको पता है, सबको पता है। अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो पहले हमारे रिएक्टेंट होंगे, रिएक्टेंट से क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। अब सर, ये रिएक्शन का जो रेट है, इसकी जो स्पीड है, वो किस पर डिपेंड करेगी? सर, वो डिपेंड करेगी रिएक्टेंट पर। किस पर डिपेंड करेगी? रिएक्टेंट पर। रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगी ना भाई। हमने लास्ट लेक्चर में जो हमारा सेकंड लेक्चर था वहाँ पर फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, किसी भी रेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। तो उसमें हमने एक फैक्टर ये भी पढ़ा था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जितनी ज़्यादा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रेट उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, लॉ ऑफ मास एक्शन, वो हमने पढ़ा था। सर, उसी के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं सर किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? हमारा रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रहा है। अब रिएक्टेंट पर तो डिपेंड कर रहा है सर, जरूरी तो नहीं है किसी भी रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट हो, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अब कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है? मतलब मान लीजिए एक, अब एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर सकती है कोई भी रिएक्शन, या दो पे डिपेंड कर सकती है, तीन पे डिपेंड कर सकते, चार पे डिपेंड कर सकते, या ऐसा भी हो सकता है किसी पर डिपेंड नहीं आएगा, सारी पॉसिबिलिटी है। तो वहीं पर हम सीधा सीधा देखो, मेरा कहने का मतलब है सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक सिंपल सी चीज़ है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का जो नंबर है, मतलब कह सकते हैं इतने वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जिनकी कंसंट्रेशन पर किसी भी रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, वो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दोबारा से सुनिए, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की संख्या जिन पर किसी भी रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है वो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। कहने का मतलब अगर मान लीजिए कोई भी रिएक्शन हो रही है वो हमारे केवल एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है तो उसे हम बोलेंगे सर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर वो दो मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है उसे बोलेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर वो तीन मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है उसे बोलेंगे क्या? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। हो सकता है सर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही ना कर, किसी और चीज़ पर डिपेंड कर जाओ, उसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बोलेंगे। सर, ऑर्डर हमारा जीरो हो सकता है, मॉलिक्युलरिटी जीरो नहीं होती। चलिए एक काम करता है, इसकी जो डेफिनेशन लिख रखी है यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है, ठीक है सर? बताइए, मैंने बोला है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? इट इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगी वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है हूज कंसंट्रेशन डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, जिनकी कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करती है, मतलब एक्सप्लेन करती है। सर, दोबारा सुन लीजिए, मैंने बोला है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ नहीं, ये मॉलिक्यूल्स की संख्या ही है जिनकी कंसंट्रेशन पर किसी भी रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, वो हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सर, इसकी एक और डेफिनेशन मैंने लिखी और करके, दूसरी क्या है? मुझे लगता है पहले आपको शायद समझ में आई हूँ। सर, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का वो नंबर जिनकी कंसंट्रेशन पर हमारी क्या करती है? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, वो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है सर? अभी समझ में आ गया, इसको डिटेल हम करने वाले हैं। एक और डेफिनेशन है, इसको समझ लेते हैं। इट इज द सम, सम मतलब जोड़ना, एडिशन। इट इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट टू विच कंसंट्रेशन
और प्रेशर आर रेश इन द रेट लॉ इक्वेशन। सर ये तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेगा ना, नहीं सर ये तो बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़े। एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, ये मतलब है अगर मैं रेट लॉ इक्वेशन में देखूं वहां पर चाहे आपकी कंसंट्रेशन हो या प्रेशर हो, उसकी जो पावर होती है जो उसके एक्सपोनेंट होते हैं उनका सम हमारा क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन कहलाता है। सर ये फिर भी पल्ले नहीं पड़ा। चलो एक काम करते हैं, जब तक हम रेट लॉ इक्वेशन ना देख लें तब तक हमें ये डेफिनेशन का मतलब समझ में नहीं आएगा। चलिए एक काम करते हैं, हम पहले रेट लॉ इक्वेशन को देखते हैं, रेट लॉ इक्वेशन हमारी क्या होती है। चलिए हम बात करते हैं रेट लॉ इक्वेशन। हमने जो सेकंड लेक्चर हमारा था फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ फ्रैक्शन, वहां पर एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी सर, जो रेट होता हमारा एक्चुअल में क्या चीज, रेट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, किसके कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हमने रिएक्टेंट लिख दिया है सर, और रिएक्टेंट पे लगा रखा है कौन, एक ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाने का मतलब है सर हम इसकी एक्टिव मास की बात कर रहे हैं, इसकी कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब सीधा सीधा होगा आप ये मान के चलेंगे ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। तो जो रेट है वो किस पर डिपेंड करता है, किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ये हमारा रेट है। ये हमने पढ़ा था ना सेकंड में, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब बात ये आती है सर, एक चीज तो चलो समझ में आ गया, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिपेंड कर रहे हैं, जरूरी है कि कंसंट्रेशन की पावर वन हो, ये जरूरी तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर, एक बात सोचूं, एक बात क्या सोचूं, मान लीजिए मैं कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा हूं, आपने कहा कि कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे रेट बढ़ेगा, अभी मैंने कंसंट्रेशन को दुगुना कर दिया रेट दुगुना हो सकता, मैंने कंसंट्रेशन को तिगुना कर दिया रेट तिगुना हो सकता, मैंने कंसंट्रेशन को चार गुना कर दिया रेट चार गुना हो सकता। सर ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मैंने हो सकता है कंसंट्रेशन को दो गुना किया और रेट हो गया मेरा चार गुना, हो सकता है कि मैंने कंसंट्रेशन को तीन गुना किया रेट हो गया मेरा नौ गुना, ये भी तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है, पॉसिबिलिटी है। तो यहां से जो रेट का एक्चुअल एक्सप्रेशन हमारा चेंज हुआ वो क्या हुआ सर, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिएक्टेंट की तो है लेकिन उसकी पावर के है किसके, एन की। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सपोनेंट, एन एक्सपोनेंट ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट की पावर एन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सर इसी को अगर मैं आगे लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, सर यहां से बोल सकता हूँ रेट इज इक्वल टू कोई ना कोई कॉन्स्टेंट आएगा उसको हम ले लेते हैं के, और यहाँ पर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर एन। ये जो आया ना एक्सप्रेशन कौन सा वाला, ये वाला जो इस वक्त हम लेकर रहे, ये यही होता है हमारा क्या, रेट लॉ इक्वेशन। ये क्या होती है हमारी, रेट लॉ इक्वेशन। सर यहाँ पर के क्या है ये बताएं, के दिस इज द रेट कॉन्स्टेंट, क्या है ये हमारा रेट कॉन्स्टेंट, किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्शन का जो रेट होगा उसका एक कोई ना कोई कांस्टेंट होता है उसे हम बोलेंगे रेट कांस्टेंट, दिस इज रेट कांस्टेंट, क्योंकि रेट लॉ इक्वेशन में आया है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, रेट इक्वेशन, रेट कांस्टेंट बोलेंगे। बात आती है सर एन, ये एन इसको क्या बोलेंगे सर, यही तो है क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मतलब जो दूसरी वाली डेफिनेशन थी ना उसका मतलब क्या था, उसका मतलब ये था सर रेट लॉ इक्वेशन में जो रिएक्टेंट की पावर होती है ना पावर, उसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मुझे लगता है इतनी बात समझ पाए, अगर नहीं आई सर एक बात बताइए, मेरे पे एक कन्फ्यूजन है, क्या कन्फ्यूजन है कि अगर मैंने जैसे मान लिया ए है ठीक है ना, पर ए की मैं कोई भी रिएक्शन कराता हूँ मेरा प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है बन गया, अब उसमें मैं अगर इसके लिए रेट लॉ इक्वेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा सर, रेट इज इक्वल टू कितना होगा, रेट कॉन्स्टेंट, और यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसर्न, रिएक्टेंट कौन है सर ए है, तो ए की पावर मैं एन कर सकता हूँ भाई, इसकी पावर अभी तो मुझे पता नहीं कौन सा रिएक्टेंट है, इसकी पावर एक पर डिपेंड करेगा, दो पर डिपेंड करेगा, तीन पर डिपेंड करेगा, मुझे नहीं पता इसलिए मैंने एन कर दिया सर, एन हो ये हो। तो इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा सर, इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा हमारा कितना, एन, एन ही तो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ मान लीजिए रिएक्शन चेंज हो, क्या चेंज होगी, मैंने कहा सर ए प्लस बी रिएक्शन करने के बाद बन गए हमारे क्या, कोई ना कोई प्रोडक्ट बना लिया, मान लीजिए कोई ना कोई प्रोडक्ट बना लिया सर, अगर मैं इसके लिए रेट लॉ इक्वेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, रेट जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ए की कंसंट्रेशन के भी और बी की कंसंट्रेशन के भी, होगा नहीं होगा भाई, वो तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ए भी रिएक्टेंट है बी भी रिएक्टेंट है दोनों की कंसंट्रेशन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा है ना, और या जब यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई क्या लेके आएंगे हम, कॉन्स्टेंट। अब बात ये आती है सर, क्या बात आती है, क्या एक ही कंसंट्रेशन वन पे डिपेंड करेगा क्या,
या बी की कंसंट्रेशन के वन पर डिपेंड, ऐसा कैसे हो सकता है सर? जैसे हमने यहाँ कहा यहाँ की पावर एक नहीं हो सकती, हो सकता इनकी भी तो पावर चेंज होगी। अगर मान लीजिए मैंने ये कर दिया, क्या कर दिया सर, यहाँ पर जो है हो सकता है जो ए है इसकी कंसंट्रेशन की पावर एक्स पर डिपेंड कर रहा हो, बी की कंसंट्रेशन की पावर वाई पर डिपेंड कर रहा हो, तो सर इसका रेट वो जो ऑर्डर ऑफ एक्शन वो कैसे पता है? इसके लिए ऑर्डर ऑफ एक्शन हम कैसे लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम ऐसे दिखाएंगे। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, आपके जो रिएक्टेंट है उनकी जो पावर्स है उनको ऐड कर दीजिए, सम कर दीजिए, एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सर इसका ऑर्डर हो जाएगा एक्स प्लस वाई। दोबारा से सुनो, एक रिएक्टेंट है उसकी जितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है वो उसका ऑर्डर होगा, दो रिएक्टेंट है उनकी दो पावर पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर इनकी ये इसकी पावर अलग है इसकी पावर है, तो दोनों की पावर्स को ऐड कर दीजिए, आपका क्या निकल आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बात समझ में आ रही है मुझे लगता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये एन है ध्यान रखना, एक्स नहीं है, मतलब एक्स मान के चलना, ठीक है एन, ठीक है एन इज इक्वल टू कितना, एक्स प्लस वाई। तो जो पावर्स है उनको ऐड कर दीजिए, आपका क्या निकलता था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सर एक चीज बताइए, यहाँ पर मान लीजिए एक ए है एक बी है, एक से ज्यादा हुए फिर हो सकता है ए हो गया यहाँ पर बी हो गया, तो आप क्या ए की पावर ए और बी की पावर बी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन हो। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो जो इसके कोफिशिएंट होते हैं वही इसकी पावर होती है, लेकिन एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है तो फिर इनकी पावर ये नहीं होगी। सर यही चीज समझ में नहीं आ रही, तो देखिए सर मैं आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर करता हूँ, क्या कर दूँ क्लियर, क्लियर ये कर देता हूँ आपको, देखिए ये मुझे लगता है दिख रहा होगा आपको, ठीक देखिए क्या देखना है सर, देखना ये है, एक मैंने डेफिनेशन ये लिख दी थी और इसके और करके दूसरी डेफिनेशन थी, अभी इसको एक्सप्लेन करें वापस से। एक चीज और याद रखनी है आपको, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इट इज ए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का मतलब क्या होता है सर, ये हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, हम किसी भी रिएक्शन को देखकर ये नहीं बता सकते ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, मतलब कहने का ये आप किसी भी रिएक्शन को थ्योरेटिकली देखकर आप ये नहीं बता सकते सर इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। मतलब ये है कि ये जो ऑर्डर होता है वो आपका एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस होता है, आप एक्सपेरिमेंट करोगे रिएक्शन का, जब भी आप लैब में जाओगे वहां पर एक्सपेरिमेंट करोगे तभी आप बता सकते हो ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन को देखकर आप नहीं बता सकते, बात समझ में आ रही है? तो बस वही हम कहना चाह रहे हैं। अब ये जो दूसरी वाली डेफिनेशन है ना इसको समझने की कोशिश करो, देखो हमने क्या कहा था सर, यहां पर हमने देखा अभी अगर रेट है वो किसी भी रिएक्टेंट की पावर एन के है तो एन हमारा क्या होगा, ऑर्डर, लेकिन अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो उनकी जो पावर है उनको जोड़ दो, तो वही तो निकल गया द पावर मतलब एक्सपोनेंट। तो सर इस डेफिनेशन को देखना क्या लिख रहे हैं आप, इट इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट, यानी कि पावर का एडिशन, सम ऑफ एक्सपोनेंट का मतलब क्या, जो उनकी पावर है उनका एडिशन टू विच कंसंट्रेशन और प्रेशर, चाहे वो कंसंट्रेशन की पावर हो चाहे वो प्रेशर की पावर हो, आर रेश उनकी पावर इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो बस यही है, कहने का मतलब है किसी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में चाहे वो कंसंट्रेशन हो चाहे वो प्रेशर हो उनकी जो पावर होती है उनका एडिशन उनका सम ही आपका क्या होता है, ऑर्डर। सर दो तरह से कर दिया, एक तो हमने मतलब एक्चुअल मतलब समझा कि सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, किसी भी रिएक्शन का रेट जितने मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है वो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। दूसरा मैथमेटिकली अगर हम देखते हैं कि अगर हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन दे रखा है तो उसमें रिएक्टेंट की जो पावर है उनका एडिशन हमारा क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। बात समझ में आई सर? एक बात और, ऑर्डर जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, टू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन चाहे पचास साठ कितना भी कर लो, सौ हंड्रेड ऑर्डर सब पॉसिबल है। मॉलिक्यूलिटी पॉसिबल नहीं थी, मॉलिक्यूलिटी हमने कितने का था, मैक्सिमम तीन तक होती है मोस्टली, उसके बाद नहीं होती है, लेकिन मॉलिक्यूलिटी कभी जीरो नहीं हो सकती, मॉलिक्यूलिटी इन्फिनाइट नहीं हो सकती। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए मैंने एक कंसेप्ट आपको कुछ इस टाइप से बना रखा सर, किसी भी जैसे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट करते टाइम हम कैसे पता करेंगे सर कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, तो देखो इसको मैंने इस टाइप कर लिया, मान लीजिए मेरी कोई भी कंसंट्रेशन है, अभी मैंने उस कंसंट्रेशन को दोगुना कर दिया, कितना कर दिया, टू टाइम्स,
मैंने उस रिएक्शन को दोगुना यानी टू टाइम बढ़ा दिया, तो मैं देखता हूँ कि जो मेरा रेट पहले था, वैसे मैंने कोई रिएक्शन करा रहा हूँ करा रहा हूँ करा रहा हूँ, हो रही है उसका रेट मेरे को पता है इतना हो रहा है, मैंने उसमें थोड़ा सा क्या डाल दिया, और जितनी कंसंट्रेशन उसकी दुगनी कंसंट्रेशन कर दी, फिर मैं रेट मेजर कर रहा हूँ, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, रेट जितना पहले था रेट उतना ही बाद में, यानी नो चेंज, रेट पे कोई चेंज नहीं हुआ है। अच्छा फिर मैंने एक काम करते, चलो रेट को तिगना करके देखते हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने कंसंट्रेशन को तिगना कर दिया, मैंने जब कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स बढ़ा दिया, उसकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट ही कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन चेंज किसकी है, ये रिएक्टेंट, मैं रिएक्टेंट ही कंसंट्रेशन में चेंज कर रहा हूँ, कंसंट्रेशन दोगुना किया कोई चेंज नहीं हो, तिगना किया फिर भी कोई चेंज नहीं हो रहा सर। अगर ऐसा आया हमारे साथ तो सर हम इसको कौन से ऑर्डर की रिएक्शन बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम क्या, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब सर ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, अभी अभी मैंने बताया जितने मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है वही उसका ऑर्डर होता है, यहाँ तो रिएक्टेंट ही कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा रेट, मैं रिएक्टेंट ही कंसंट्रेशन को बढ़ाता जा रहा हूँ, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब रिएक्टेंट जो रेट है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा तो क्या हो जाएगी वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आगे करना सर, अगर मान लीजिए मैंने क्या किया 2 टाइम्स रेट को बढ़ाया है ना, तो मेरा जो रेट रेट है वो भी मेरा कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया। अगर मैंने कंसंट्रेशन को 3 टाइम बढ़ाया तो रेट कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया। मतलब मैंने रिएक्टेंट लिया जितना था वो रेट हो रहा था, मेरे को रेट पता है कितना, कंसंट्रेशन पता है कितनी है, अब मैंने कंसंट्रेशन को दोगुना कर दिया रेट भी दोगुना हो गया, कंसंट्रेशन को तिगुना किया रेट भी तिगुना हो गया, इसका मतलब क्या है सर, रेट लॉ एक्सप्रेशन में मेरा क्या था, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर एन, यही तो था, यानी आर इजकल टू के और ए की पावर एन, यही तो था। अब यहां पर अगर मैं मान लीजिए एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मैं एन की जगह रख देता हूँ जीरो, अगर जीरो रखूंगा तो किसी की भी पावर जीरो होती है वो कितनी हो जाती है, 1। इसका मतलब सर, इसका मतलब सीधा सीधा हो गया, अगर मैं जीरो ऑर्डर के लिए बात करता हूँ तो रेट रेट कॉन्स्टेंट के बराबर हो, चाहे कितनी भी कंसंट्रेशन बढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ने, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं एन की वैल्यू कितनी कर दूँ, 1 कर दूँ, एन की वैल्यू 1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो आर इज डायरेक्टली आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के और कंसंट्रेशन ऑफ ए, अगर आप इसको दुगना करोगे तो ये दुगना हो जाएगा, इसको तिगना करोगे तो ये भी तिगना हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सर फर्स्ट ऑर्डर में जितना आप रेट की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे जितने गुना उतने गुना आपका क्या बढ़ जाता है, रेट बढ़ जाता है, तो सर अगर ऐसा हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे सर ये है हमारी क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अच्छा सर एक और बात बताइए, हमने पहला केस देख लिया, हमने क्या देख लिया, पहला केस, ठीक है सर, हमने दूसरा केस देख लिया, अभी हम तीसरा केस देखते हैं, ठीक है, तीसरा केस क्या है सर, मान लीजिए मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स बढ़ा दिया, 2 टाइम्स बढ़ाया, मैं देख रहा हूँ रेट जो है मेरा 4 टाइम्स इंक्रीज हो, कितना बढ़ गया, 4 गुना, मैंने रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को दोगुना किया रेट बढ़ गया मेरा 4 गुना, अभी मैंने क्या तिगुना किया तो रेट बढ़ गया मेरा कितना, 9 गुना, तो कुछ हो रहा है क्या, मतलब है, मतलब ये है यानी रेट इज इक्वल टू के और ए की पावर कितना होता है, एन, अगर मैं मान लीजिए यहां पर 2 कर दूं, कितना कर दूं, 2, तो यहां पर अगर 2 करूंगा 2 2 जा 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, यहां पर अगर दोगुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये अगर मैं मान लीजिए ए को दोगुना करता हूँ तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 2 दुनी 4 यानी 4 गुना बढ़ जाएगा, अगर इसको दोगुना बढ़ाऊंगा, अगर रिएक्टेंट का साइड 3 कर दो 3 3 9, अगर इसको तिगुना बढ़ाऊंगा तो 9 गुना बढ़, इसका मतलब कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है, 2 पर। सर अगर ऐसा हो रहा है क्या कि अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दुगनी करने पर रेट मेरा 4 गुना हो रहा है, कंसंट्रेट तिगनी करने पर रेट मेरा 9 गुना हो रहा है, तो सर इसको बोलेंगे ये है हमारा क्या, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, दिस वन इज सेकंड ऑर्डर। मुझे लगता है ये भी बात आपको समझ में थोड़ी आ रही होगी, सही है, इसके बाद हम और भी कर सकते हैं सर, एक और कर लेते हैं ना, अभी चीज़ें हमारी बिल्कुल सारे के सारे क्लियर हो जाए, ठीक है, मान लीजिए, क्या मान लीजिए सर, जो चीज़ मानने की उसे मानना तो है, जैसे मैंने क्या किया रेट को इस टाइम दोगुना किया सर, 2 टाइम्स रेट करने पर मैं सॉरी रेट बोलो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैंने दोगुनी की तो रेट मेरा जो है वो 8 गुना बढ़ गया, कितना बढ़ गया,
आठ गुना, और रेट अगर मैं तीन टाइम कर दिया रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो रेट मेरा 27 टाइम्स पड़ता है। सर ये क्यों हो रहा है? टू का क्यू कितना होता है 8, और थ्री का क्यू कितना हो जाएगा 27। इसका मतलब सर कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, दिस वन इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो मुझे लगता है आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर समझ में। फिर से सुन लीजिए, हमने कुछ नहीं कहा सर, इतना कहा था हमारा कि जो रेट होता है एक्चुअल में या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, कोई भी रिएक्टेंट की नंबर होता है, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है जितने मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रही है ना, वो उसका ऑर्डर होता है। अगर एक पे कर रही है तो फर्स्ट ऑर्डर, दो पे कर रही है सेकेंड ऑर्डर, तीन पे कर रही है थर्ड ऑर्डर, चार पे कर रही है फोर्थ ऑर्डर, किसी पे कर ही नहीं रही तो जीरो ऑर्डर। बात समझ में आ रही? ये था हमारा ऑर्डर, हम कैसे पता कर सकते क्या चीज़ें होती हैं। अब हम डिटेल करने वाले हैं, क्या डिटेल करने वाले हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को, सारे इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या होते हैं, उससे रिलेटेड ग्राफ, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, उसका हाफ लाइफ टाइम, ये सारी चीज़ करने वाले हैं अगले लेक्चर में। उसके बाद फिर फर्स्ट ऑर्डर की करेंगे, सेकेंड ऑर्डर की करेंगे, जितने हैं आपके सिलेबस में सारे करेंगे। बात समझ में आ रही? मुझे लगता है इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और जिनको ज़रूरत है भाई उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, उनको भी मिले, और हम भी आगे आपको अच्छा अच्छा कंटेंट देते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप देखते रहिए, हम आपको अच्छा कंटेंट देते रहेंगे, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।